नमस्कार, आप देख रहे हैं आदर्श भारत न्यूज। जमुई के गिद्धौर प्रखंड में सड़कों का बुरा हाल है, वहीं कथित दावों की पोल भी खोल रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि सड़कों पर जल जमाव होने के कारण आवागमन में परेशानी होती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि तालाब में बारिश का पानी भर जाने से वहां का गंदा पानी सड़कों पर आ जाता है, जिससे की भारी परेशानी होती है। जमुई के गिद्धौर प्रखंड में इन दिनों सड़कों के जाल बिछा देने के कथित दावों की पोल खुलने लगी है। प्रखंड मुख्यालय से ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों का बुरा हाल है। खासकर बारिश के दिनों में बदहाल सड़कों पर हर तरह से आवागमन में परेशानी होती है। जानकारी के अनुसार प्रखंड के मौरा पंचायत के वार्ड नंबर 7 में स्थित सड़क, जो घनश्याम स्थान के लिए जाने वाला रोड, का इन दिनों बुरा हाल है। सड़क लगभग आधा किलोमीटर की स्थिति इतनी जर्जर व दयनीय है कि पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है। सड़क के किनारे एक खेत है जो इन दिनों तालाब में तब्दील हो गया है, जो बारिश के दिनों में लबालब गंदा पानी भर जाने के कारण सड़क पर आ जाता है, जिसके कारण सड़क कीचड़ भर है। इससे आने जाने में भारी परेशानी होती है। ग्रामीणों ने बताया कि खासकर बरसात के दिनों में सड़कें तालाब में तब्दील हो जाती है। सड़क के कुछ हिस्से में पानी जमा होने के कारण कई तरह की परेशानियां होती है। रात की बात तो दूर, दिन के उजाले में भी लोगों को काफी संभल कर चलना पड़ता है। सड़क की जर्जर स्थिति के कारण ऑटो सहित अन्य वाहनों के चालक इस रास्ते से आना नहीं चाहते हैं। कीचड़मय बन चुकी सड़क दुर्घटनाओं को आमंत्रित कर रही है। इस सड़क के रास्ते हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को बाबा घनश्याम स्थान में जाने के लिए सैकड़ों लोग आते जाते रहते हैं। वहीं संदर्भ में स्थानीय निवासी चंदन रावत का कहना है कि अगर यहां नाला का निर्माण हो जाए तो आसपास का घर भी सुरक्षित रहेगा। आगे उन्होंने कहा कि सड़क का मरम्मतीकरण और नाली निर्माण के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी बताया गया, लेकिन उन लोगों का कहना है कि कोई भी आदमी जमीन देने के लिए तैयार नहीं है, जिसके कारण ये सड़क जर्जर अवस्था में है। ब्यूरो रिपोर्ट, आदर्श भारत न्यूज। भारत, आपकी आवाज हमारी ताकत। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन प्रेस करें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें।